पूरे बनारस में होली की खरीदारी की दुकानें सज चुकी हैं। ऐसे में लोग चाइना की पिचकारियों का बहिष्कार करते हुए इंडियन पिचकारी अपनाने की बात कर रहे हैं। और देखा जाए हर साल की तरह खास तो राजनीतिक पिचकारी जो योगी और मोदी की पिचकारी पूरे बनारस में धूम मचा रही है। जहां एक ओर दुकानों पर होली की खरीदारी करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दुकानदार भी विभिन्न प्रकार की पिचकारियां रखकर ग्राहकों को आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। खरीदारी कर रहे ग्राहकों का भी कहना है कि दुकानों पर योगी मोदी की पिचकारियां देखने को मिल रहे हैं। ऐसी पिचकारियों को लेकर लोगों के बीच भी खास उत्साह देखा जा रहा है। मेरा नाम शेख मोहम्मद आसिफ है। मैं यहाँ का पूर्वांचल के मंडी बनारस की जो कड़ासराय मंडी है उसका पिचकारी का थोक विक्रेता हूँ। देखिए, ऐसा कि पहले जो पिचकारियाँ आती थी चाइना से आती थी, कार्टून से आते थे, हीरो हीरोइन के पोस्टर आते थे, जो कि उनका जमाना था और बच्चे उसी को पसंद कर रहे थे। लेकिन 2014 से जब से मोदी जी आए हैं और हमारे यूपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री योगी जी हैं, तो आज सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हो गए ये। तो इसी तरह जितने भी चीज़ें आ रही हैं उन्हीं के नाम से आ रही है, उन्हीं के नाम पर बिक रहा है। पूरी मंडी में योगी गुलाल। अभी बंगाल में चुनाव चल रहा है तो वहाँ ममता जी वहाँ चुनाव लड़ रही, तो ममता पिचकारी भी आई, ममता गुलाल भी बिक रहा है। तो ये सब मान लीजिए कि लबोलबाब की जो भी सीजन होते हैं, तो जो आज के ब्रांड जो एम्बेसडर है, जिस तरह देखिए मोदी योगी है, उन्हीं के नाम पे पिचकारियाँ बिक रही है मार्केट में। दुकानदार मोहम्मद आसिफ ने बताया कि पहले चाइना से पिचकारियाँ आती थीं जिनमें बच्चों के कार्टून किरदार होते थे, मगर अब बच्चों के साथ बड़ों को भी योगी और मोदी की पिचकारी भा रही है। आसिफ ने बताया कि अभी योगी जी और मोदी जी का युग है और लोग पिचकारियों में भी उन्हें काफी पसंद कर रहे हैं। वहीं दुकानदारों का भी कहना है कि होली की खरीदारी के लिए अब लोग भी पहुंच रहे हैं और उन्हें पिचकारी के ऊपर राजनीतिक चेहरे काफी पसंद आ रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। सोच रहे इस बार की ज्यादा ये योगी की निकली है पिचकारी, मोदी जी की निकली हुई है, ये लोग पिचकारी लेकर अगर जाते हैं तो हो सकता है कि हमारी दुकान अच्छे से चले और बिके, और ये कोरोना जो है इस वजह से कुछ माहौल गड़बड़ लग रहा है। दुकानदार ने बताया कि इनके अलावा कोरोना से संबंधित पिचकारी जिनमें कोविड-19, कोविड वैक्सीन, लॉकडाउन जैसी पिचकारियां भी लोग काफी पसंद कर रहे हैं और इनकी बिक्री भी जमकर हो रही है। बंगाल में चुनाव का माहौल है, लेकिन पीएम के संसदीय क्षेत्र बनारस में भी राजनीतिक पिचकारी धूम मचा रही है और अपना एक अलग ही रंग दिखा रही है लोगों के बीच में। प्रभा साक्षी से आरती पांडे, बनारस।